देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्पार्क विंग के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज। ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में सभी प्रभागों द्वारा सम्मेलनों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ज्ञान सरोवर में स्पार्क विंग का नेशनल SIR यानी शोध में आध्यात्मिकता का 18वां सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका विषय रहा वैल्यू बेस्ड रिसर्च फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मनी। सम्मेलन के शुभारंभ पर महाराष्ट्र के अंबरनाथ से आई नन्ही कुमारी ओवी, कुमारी उर्वी और कुमारी उर्मी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल खुशनुमा बना दिया। वहीं मुंबई से आए ड्यूअल वोकलिस्ट भारतीय गायक साईराम एस अय्यर द्वारा गीत की प्रस्तुति दी गई। इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मीधर बेहरा, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र सिन्हा, स्पार्क प्रभाग के अध्यक्षा बीके अंबिका, राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, मुख्यालय संयोजक बीके संजय, बीके रूपेश समेत प्रभाग के अन्य वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मूल्याधारित अनुसंधान द्वारा पर्यावरण की समस्याओं को हल करके किस प्रकार सामाजिक सद्भाव उत्पन्न किया जा सकता है, इस पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। आपकी कैंपस को घूम चुका हूं और इसकी पवित्रता को महसूस किया हूं, इसलिए मैं आप सबको विनम्र नमन करता हूं। विज्ञान बहुत तीव्र गति में आगे बढ़ रहा है, चांद में पहुंच रहे हैं, मंगल में पहुंच रहे हैं, परंतु मैं आत्मा हूं, उसकी ज्ञान नहीं है। शोध की दिशा को उस दिशा में ले जाएंगे जो हमें एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएगा और पूरी दुनिया जैसे पहले भारत की ओर देखता था, अब आगे भी आप सबके प्रयास से पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगा और ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों से पूरी दुनिया भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में अपनाएगा। अगर आप में आत्मविश्वास रहेगा, हिम्मत रहेगा, तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और जीवन के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप अध्यात्म को अपना जरिया बनाएंगे। हमारी जो जीवन शैली था, सामाजिक सिस्टम था, जो हार्मनी और बैलेंस के आधार पे चलता था, उस पर आप सब रिसर्च करके भगवान जो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, यू क्रिएट इन सच ए वे, यू ब्रिंग सच ए वे द वैल्यूज, यू मेक ए फार्मूलाज इन सच ए वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड फार्मूलाज, जहाँ आप डायरेक्ट करो समाज को, अगर ये आप करेंगे आपका जीवन शैली अच्छा होगा। आप सभी यहाँ ज्ञानी आत्माएं हैं और परमात्मा भी हमको जो और गहराई का ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को लेकर के, ज्ञान से अपने को भरपूर करके, रत्नों से अपने को भरपूर करके यहाँ से जाएंगे, यही मेरी आप सबके प्रति आशा है। विज्ञान जगत की आप जो भी उन्नति कर रहे हो, अगर उसमें साइलेंस की शक्ति की समावेश हो, साइलेंस और साइलेंस, साइंस और साइलेंस दोनों का मिलन हो और संसार में सच्ची शांति की स्थापना हो सकती है। बेगूसराय में किसानों के लिए योगी कृषि प्रशिक्षण। अब बात करते हैं बिहार के बेगूसराय की, जहां धरती माता स्वयं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी चिंता व्यक्त करती नजर आई। देखिए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत संदेश योग्य नृत्य नाटिका के कुछ अंश। रासायनिक खाद जहर समान है और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं,
पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। प्रशिक्षण पन्हास के सभागार में ब्रह्मा कुमारी समेत जिला कृषि कार्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से किसान भाइयों के लिए यौगिक एवं जैविक खेती का प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें संस्थान के मुख्यालय से आए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष राजयोगी वी के राजू भाई और प्रभाग की मुख्य प्रशिक्षिका राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बी के गीता ने यौगिक खेती के बारे में अपना संबोधन दिया। हमारे विचार, हमारी भावनाएं जब इसके साथ जुड़ जाती हैं तो हमारे विचारों को, इन भावनाओं को ये पेड़ पौधे समझते हैं, सुनते हैं। और मैं रोज़ 4:30 बजे उठता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ और फिर पौधों के साथ बातें करता हूँ, प्यार करता हूँ। अपनी खेती को दो तरीके से करें, एक तो स्वयं का जीवन सात्विक बनाएं, निर्व्यसनी बनाएं, और अपनी खेती में वो उस पवित्र विचारों के वाइब्रेशन भी डालें, प्रकंपन भी डालें, और बिल्कुल बिना केमिकल की खेती करने की शक्ति और विधि, ये है यौगिक खेती। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार ने किसानों से आग्रह किया कि वह जैविक खेती के साथ साथ राजयोग सीखकर यौगिक खेती भी करें। वहीं अन्य वक्ताओं में कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामपाल ने भी अपने विचार साझा किए। आगे स्थानीय प्रभारी बीके कंचन ने किसानों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। जिन्होंने अपने वचन से अमेरिका में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, उनके द्वारा कहा गया था कि जब भौतिकवादी और अध्यात्म, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद में संतुलन बिठा कर कोई कार्य किया जाएगा, तभी सही और सही रूप से देश का विकास हो सकता है। जहां भी इसमें जिस जब भी इसमें असंतुलन होगा तो उत्पादन बढ़ेगी लेकिन लोगों में शांति नहीं होगी, उसमें समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए अध्यात्म और भौतिकवाद के बीच सामंजस्य स्थापित कर संतुलन बिठाते हुए आपको हर कार्य करनी है, कृषि भी करनी है। हमने तो समझा कि खेती के लिए जुताई खूब करेंगे तो बढ़िया खेती होगा, खाद खूब डालेंगे तो बढ़िया खेती होगा, लेकिन जुताई करें उसमें हमने जीव को मारा, खाद डाला उसमें मारा, पानी मुझे लगता है हर जगह चला गया। मतलब जो हम लोगों ने अभी तक खेती अपनाया उस सारे खेती का जो लक्ष्य नहीं, हम जानबूझ के नहीं करे, लेकिन धोखे से क्या हो गया, वो जीव मर गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रभु श्रीराम FPO की ऋचा सिंह, बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व मेयर संजय कुमार, प्रभाग के बिहार के समन्वयक बीके अबीता, अन्य अतिथियों द्वारा किया गया था। इस प्रशिक्षण से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए। सफलता का अर्थ है एक योग्य लक्ष्य की प्रगतिशील प्राप्ति होना। सफलता के लिए अच्छे चरित्र, एकाग्रता और आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। यह विचार कही भुवनेश्वर यूनिट 8 की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने। वह ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय OUAT भुवनेश्वर के कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय और फॉरेस्ट महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित प्रेरणात्मक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। अगर हम अपने जीवन के गोल सेट करते हैं एंड वी शुड रियलाइज व्हाट इज द गोल एंड वी शुड स्टेप टू द बिफोर स्टेपिंग फॉरवर्ड वी शुड लिप बैक, वी शुड गो टू द इनर वर्ल्ड। हमें हमारे पास क्या रिसोर्सेस है, वी शुड सी दैट, वी शुड सर्च देम, वी शुड फाइंड देम, वी शुड रियलाइज देम एंड वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस विद इन अस एंड हाउ वी कैन यूज द इनर रिसोर्सेस फॉर रीचिंग द वर्थी गोल। महाविद्यालय के आमंत्रण पर आए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सफलता के मंत्र विषय पर विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया, जहां प्रोफेसर्स भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस सेशन के अंत में मधुबन न्यूज की संवाददाता ने महाविद्यालय के डीन डॉक्टर संजय कुमार दास, प्रोफेसर मिंती महापात्रा और डॉक्टर जगदीश चंद्रपाल समेत कुछ छात्रों से कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों के बारे में जाना। सो एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाई सिस्टर दुर्गेश नंदिनी जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स।
Actually, in our universities, we have started thinking about ethical values, character development, personality, contributions to the society by the students. So when the students are entering the university, in addition to giving them professional knowledge and skill, so we are also emphasizing in building their characters, confidence, and as well as all the sorts of the good feelings toward the society. बहन दुर्गेश नंदिनी जी आए थे और उनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया कैसे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, कैसे अपने को डेकोरेट करें विथ वैल्यूज एंड मोरल्स, ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेस पा सके और आगे जाकर उन्नति कर सके. वेरी इंस्पिरेशनल स्पीच एंड हाउ द स्टूडेंट्स विल बी अ गुड सिटीजन फॉर द कंट्री, हाउ दे विल बी सक्सेसफुल एंड हाउ दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. वी होप दिस टाइप ऑफ टॉक इन दिस दीक्षारंभ प्रोग्राम will be a good starter for both the students and they will lead a good life in their future career. I am Priyadarshini Gowda, student of College of Agriculture, Engineering and Technology. Actually, it's a very good initiative from the Brahma Kumari for students to become a very good human being. And thank you so much for all. So basically in this day-to-day life, we students often are busy in our academics and we forget to involve it, to discover ourselves. So I felt fortunate to have such a wonderful meeting today from the Brahma Kumari, who indulged in us, who helps us to develop us and to know who we are. So thank you. ओडिशा को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य से मुहिम पर निकले चिकित्सा प्रभाग के वरिष्ठ वक्ता बीके राजीव ने भुवनेश्वर शहर के सिमली पटना क्षेत्र में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके तहत सिमली पटना के सरकारी प्राइमरी स्कूल और कृष्णा नगर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में सैकड़ों बच्चों एवं शिक्षकों को अभियान की जानकारी दी. वहीं नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दो सत्रों के माध्यम से 400 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया. आगे पीतागढ़िया गांव, मंडप, पाला चौक और जात्रा पड़िया में स्थानीय लोगों को नशे के प्रति सचेत किया गया. इन कुछ तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं कि गांव के अंदरूनी इलाकों में भी जाकर लोगों को नशे से स्वयं की संभाल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो भारत को नशा मुक्त बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है. इन इलाकों में दिन के उजाले तथा रात के अंधेरे में भी बीके राजीव समेत अन्य बीके सदस्यों की टीम द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से नशे से होने वाली बीमारियां और उसकी लत से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई. भगवान को सामने देखी की मुख प्रतिज्ञा कुर्सी आजी छोरू के बेबी ना निजे निशा करी भी ना कहा को करीबा देवी भगवान मोर संगो चंदी. इस दौरान स्कूली छात्रों, गांव के बच्चों, बड़ों तथा बुजुर्गों समेत हजारों लोग लाभान्वित हुए. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला कारागृह में बंदी कैदियों को गणपति के आध्यात्मिक रहस्यों द्वारा जीवन की बाधाओं से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ. मुख्यालय से आए बीके भगवान ने कैदियों से जीवन में सद्गुणों को धारण करने की अपील की. वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके गणेशी भी मुख्य रूप से उपस्थित थे. हमें आप सभी हीरे हैं, लेकिन आप हीरे को विकार को बुराई को संस्कार का दाग लगाएं, इसलिए इस जेल को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बनाओ. कार्यक्रम में कैदियों को राजू मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया. वहीं कई कैदियों ने अपने जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का संकल्प लिया. हमारे जो विकार हैं, उन विकारों पे कैसे हम नियंत्रण रखें, काम को इन सब विषयों को विस्तृत चर्चा करके श्री गणेश जी के जो अंग है उन तमाम अंगों का लक्षण बता करके इस दौरान जिला जेल के उप अधीक्षक ज्ञानासु भारती ने इस आयोजन के प्रति अपने विचार साझा किए और ब्रह्मा कुमारी इसका धन्यवाद ज्ञापित किया. कि आपको अपने विकारों में जो अपने विकार होते हैं उन पे कंट्रोल करना है, उनको सुधारना है, काम करो भूलो, यही व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं. आप सोच सकते हैं, स्वयं चिंतन कर सकते हैं और मनन कर सकते हैं.
उन चीजों को सुधारिए और मनन कीजिए कि हम किस कारण से यहाँ पर आए हैं, क्या हमसे ऐसा हो गया, इनमें से क्या कमी रह गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।